प्रेज द लॉर्ड सभी विश्वासी मित्रों को फिर से एक बार इस बाइबल अध्ययन में स्वागत है और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के बड़े पवित्र नाम में जय मसीह की शालोम और प्रभु आप सभी को इस अध्ययन में शामिल होने के द्वारा और भी आशीषित करता जाए इस आशा के साथ आइए हम दुआ करते हैं और पिछले समय में जो कुछ भी सीखा है बहुत सारी बातें हमने समझी है नहीं बहुत कुछ समझ पाए हैं प्रभु के अनुग्रह से उसका धन्यवाद करें प्रभु तेरा धन्यवाद की इन बातों को समझने बुझने के लिए आपने आज तक हमारी सहायता की है पवित्र आत्मा को भेजा जो हमें सच्चाई के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते ना तो परमेश्वर से कहेंगे प्यारो प्रभु तेरा धन्यवाद और आज हम फिर से आपके चरणों में आते हैं और आपका अनुग्रह मानता आइए प्रार्थना करते जीवित और प्यारे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आप अगर हमारी सहायता न करो तो हमारे कदम कहीं खड़ा जाए प्रभु प्रभु हम स्थिर खड़े न रह सके प्रभु, पर तू वो परमेश्वर है जो अपने पीछे चलने वाले हर एक विश्वासी बेटे बेटियों का खड़ा होना संभालता है प्रभु तेरे विश्वास से और तेरे सामर्थ्य प्रभु तू तेरे बच्चों की रखवाली करता है प्रभु तू हमें आने वाली परीक्षाओं से प्रभु हमें बचाता है प्रभु प्रभु तो इस संसार में जो कुछ भी लुभावना है परीक्षा में हमें खींचता है उन सभी से तू हमें अलग खींचता है पवित्र हम तेरा धन्यवाद करता है और प्रभु हम धन्यवाद करते कि आप हमें पवित्रता की ओर बढ़ाते हो आप आपके वचनों को सिखाकर हमारे आत्मिक जीवनों को और भी सुंदर बनाते हो परमेश्वर और प्रभु पिछले समय में आपने हमारी सहायता की है प्रभु बहुत सारी बात बातें जो हमें शायद समझनी बहुत मुश्किल थी पर पवित्र आत्मा तेरी मदद से हम उसको समझ पाए प्रभु और आज फिर से हम उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करना चाहते हैं तब आपकी अगुवाई मांगते हैं पवित्र परमेश्वर आपकी अगुवाई हम सभी के साथ हो पता रात न कते परमेश्वर जितने भी लोग जुड़े हैं जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु प्रभु उन सभी पर उनके घरों पर और हर एक नेटवर्क पर डेटा पर प्रभु यीशु का लहू हम लेते हैं आज प्रभु यीशु के लहू में सभी के मन विचारों को शरीरों को कवर करते हैं ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा को उन देल दीजिए प्रभु अब मानत समझने बुझने वाली आत्मा पवित्र आत्मा आप हमें समझ की ओर ले जाए प्रभु सही समझ की ओर ले चले प्रभु आप हमारी अगुवाई करें प्रभु सत्य के आत्मा सब कुछ सत्य में हमें स्पष्ट करके दिखाने वाले प्रभु हूं हम आपकी मदद मांगते हम सभी मिलकर हम सभी की सहायता करें शैतान की हर रुकावट और बाधाओं को यीशु के लहू में बांध कर निष्फल करते हर एक झूठ की आत्मा को विद्रोह की आत्मा को हम यीशु के लहू में बांध कर निष्फल करते प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में इस अध्ययन के द्वारा परिपूर्ण पर हो तू जो चाहता है इस अध्ययन को करने के द्वारा प्रभु वो होने पाए हमारे जीवन में यीशु के नाम से सभी मिलकर कहेंगे आमीन आज हम जो है, जो है सीखने जा रहे हैं वो सात कटोरे के बारे में है ना सात कटोरे क्या है तो हमने पिछले समय के अभ्यास में सीख लिया था कि स्वर्ग में जो मंदिर है उसमें से नहीं उन सात स्वर्ग दूतों को जो चार प्राणी वहां पर परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होते उसमें से एक प्राणी आकर यह सात कटोरे उनको प्रदान करते उनको देते हैं कि अब ये आपको पृथ्वी पर जाकर इस तरीके से उन लेने ये सब बातें वहां पर है और ये हम सीखे थे पर ये जो सात कटोरे का न्याय है नहीं परमेश्वर का यीशु मसीह का जजमेंट है यीशु मसीह का न्याय बताता है कि यीशु मसीह इस संसार का कैसे न्याय करेगा हालांकि इन दिनों में बहुत सारे लोग कुछ भी हो जाता है तो बोलते प्रभु का न्याय आ गया इस पर प्रभु का न्याय आ गया इस देश पर आ गया उस देश पर इस जाति पर उस जाति पर आ गया नहीं। पर हकीकत में प्यारो यह सब बातें क्या है पिता इंसान जो बो रहा है बाइबल में लिखा है वो जो बोएगा वो काटेगा नहीं तो वो कटनी काट रहे अपने बुरे कामों की हकीकत में परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो विद्रोही लोग हैं उनके ऊपर साल के समय में प्रभु जाहिर करेंगे और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह का जो न्याय है वो वो ये महाक्लेश का जो साढ़े तीन साल का आखिरी साढ़े तीन साल का समय उस दौरान जाहिर होने वाले हैं है ना तो वो ये बात है पर यहाँ पर पिछले समय में जैसे हमने सीखा था कि सब कुछ नहीं यहूदियों को जो सात पर्व दिए गए इसराइल को नहीं और जो सात पर्व दिए गए उसके साथ ये सब घटनाएं कनेक्ट करती है नहीं? और विशेषकर अंतिम समय की बात अगर हम देखें तो वो पिछले तीन जो पर्व है सात पर्व में से उसके साथ कनेक्ट करती है अगर आइए हम देखते हैं ये सात पर्व कौन से कौन से और कहां, -कहां पर वो जुड़े हुए हैं है ना पिछले समय में हमें सीखा था पर थोड़ा सा उसको देख लेते दे ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाए कि ये कटोरे का न्याय हकीकत में है क्या इन प्यालों का न्याय हकीकत में है क्या तो यहूदियों को सात पर्व परमेश्वर ने यहोवा ने परमेश्वर ने दिए थे पहला था फसह पर्व दूसरा था अखमीरी रोटी का पर्व जिसको बोलते हैं फिश ऑफ वनली वन ब्रेड तीसरा था प्रथम फल का पर्व है ना अब ये तीन पर्व पूरे हो चुके हैं ये तीन पर्व इतिहास में पूर्ण हो चुके हैं कैसे तो यीशु मसीह के द्वारा ये उनके आने के द्वारा ये सब ये पर्व पूरे हो चुके हैं उनका उनका दुख सहना उनका गाड़ा जाना कब्र में और उनका जी उठना ये सब बातें इन तीनों पर्वों से जुड़ी हुई है चौथा जो था कलिसिया की स्थापना जो पवित्र आत्मा के द्वारा आ, हुई नहीं पवित्र आत्मा के उतरने के द्वारा प्रारंभ हुई और वो था फिस्ट ऑफ का पर्व तो ये भी इतिहास में हो चुका है मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उस, हुआ उसके दस दिन के बाद में आ, और उसके बाद है बाकी के तीन पर्व पांच छह और सात तुरही का पर्व ऑफ़ ट्रम्पेट छठा था पश्चाताप का दिन द डे ऑफ अटोनमेंट जिसको बोलते हैं यौम कि और सातवा है झोपड़ियों का पर्व जिसको बोलते फिस्ट ऑफ टेबरनेकल तो यह जो तीन पर्व है यह अंतिम समय के साथ जुड़े हुए हैं और यह पर्व अंतिम समय में पूरे होंगे है ना यह सब ये पर्व अंतिम समय में पूरे होंगे तो यह कटोरे वाली बात वो है अब देखिए यहां पर तुरही का पर्व अगर हम देखें तो यह सात साल की शुरुआत तुरही के पर्व से शुरू होती है पिछले समय में हमने देखा था ना कि आ, के बारे में कि जब प्रमुख दूत प्रधान नहीं तुरही फूकता है वहां पर और वहां पर यह बात उसकी आवाज के साथ ये रेप्चर की घटना शुरू होती है ये सब बातें हम सीख चुके तो तुरही का परवाई वहां पर आता है और साथ में इन साढ़े तीन साल का जो शुरुआत का समय में उसमें भी तुरही का न्याय आता है हान? तो ये सब बातें वहां पर जुड़ी हुई है पर अब ये आखिरी साढ़े तीन साल का जो समय है वो इस पश्चाताप के दिन के साथ जुड़े हुए हैं यौम किपुर के साथ जुड़े हुए अब आपको ये कटोरे का न्याय यौम किपुर के साथ किस तरीके से जुड़े हैं ये समझने का हम प्रयास करेंगे लेवियों की किताब अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं लेवियों का, का पुस्तक पुराने नियम में सोलवा अध्याय अब जब इस समय में यहूदी लोगों को नहीं पश्चाताप का यह दिन नियुक्त किया था परमेश्वर ने जिस समय में महायाजक क्या करता था अपने खुद के लिए और यहूदी प्रजा के लिए नहीं उन दोनों के लिए पश्चाताप करता था और उसके लिए होम बलि चढ़ाता था और उन होम बलियों के लहू को लेकर आ, वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था और उसके साथ में कुछ और भी बातें जुड़ी हुई थी ये सोलवे अध्याय में बारह तेरहवीं देखिए ग्यारह से प्रत्येक अरुण उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें नहीं? और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर अब क्या है वहां पर एक धूप वेदी है उस धूप वेदी में कुछ अंगारे जल जल रहे है ना उस अंगारों को लेना है कहाँ पर एक धूपदान है क्या लिखा है धूपदान यह है कटोरा पाउल इस धूपदान में लेना है और उस पर लिखा है अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहवा के सम्मुख आग में ना जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र मतलब आर्क ऑफ द कवर्न साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए प्रायश्चित का ढकना जिसके ऊपर वो था कि जो जो वाचा का संदूक था आर्क ऑफ द गवर्नमेंट उसका ढकना जिसको बोलते प्रायश्चित का ढकना जिसके ऊपर दो करू बीम वहां पर बताए गए हैं, नहीं, और उसके बीच में से महिमा में बादल में से परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर उतरती है और वो बात करती है वहां पर और इसलिए कि यहाँ पर पहले ये धुआं जाना बहुत जरूरी था पहले यहां पर वो धुआं जाना बहुत जरूरी था लिखा है कि उसी धुएं में से तू मुझे नहीं नहीं तो क्या होगा कि तू मर जाएगा जिससे धूप का धुआं छा जाए कहां पर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अगर वो धुआं नहीं छा जाएगा तो वो मर जाएगा है ना अब उसके बाद में लिखा है कि वह बछड़े के लोह में से कुछ लिखकर पूर्वकी की और, और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के अब यहाँ लहू की भी बात आती है लहू के छिड़कने की भी बात ये ये कटोरे में आगे आएगा कटोरे के न्याय में है ना तो ये बात है यहाँ पर कि धूपदान अब ये धूपदान कैसा था तो ये इस प्रकार का धूपदान था इसको कटोरा बोलते है, है ना ये आप दिख रहे हैं आपको ये कटोरा है और ऐसे महायाजक जाता था उस धूपदान को लेकर और यहाँ पर धूप वेदी है आगे दिखाई दे रही धूप वेदी है और पर्दे के भीतर फिर वो जाता था है ना तो इस प्रकार यौम किपुर मतलब मानने की पचासवे का पश्चाताप का दिन उस समय वो लोग मनाते थे ये सब बातें होती थी अब मतलब ये सब बातें जो कटोरे का, का न्याय है ये पुराने नियम के साथ जुड़ा हुआ है ये बातें बताती है यौम किपुर द डे ऑफ अटोनमेंट और और भी बहुत कुछ है जो जुड़ा हुआ है जो एक पैटर्न बताती है ना एक शैली में एक स्ट्रक्चर में इस न्याय को बताया गया है आ, आपको पता हो तो जब इसराइली प्रजा इजिप्त की, की गुलामी में थे तब उनका छुटकारा कैसे हुआ ने? उस समय भी दो गवाहों को ले आ, उस इजिप्ट के राजा फिर के पास ले जाया गया था वो दो गवाह थे मुस्सा और मुस्सा भाई हारून है ना और वो ही पैटर्न को आप अगर देखो तो ये साढ़े तीन साल के समय में और एलिया की बात हम करते नहीं वो ही पैटर्न यहाँ पर भी वो दो गवाह है उस समय उन दोनों गवाहों के द्वारा कुछ प्लेग नहीं आ, अनर्थ या तो विपत्तियां मिस्र वासियों पर आई वहां पर फिरोन के राज्य पर आई वहां पर फिरोन का राज्य मतलब संसार का राज्य पुराने नियम में फिर का राज्य नए नियम में ये नहीं शैतान का राजी ये दोनों साथ, दोनों साथ मतलब मतलब तुलना करते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए अब उस समय में अलग अलग, अलग विपत्तियां आई नहीं दस अलग अलग विपत्तियां आई और उसमें से जब छुटकारा पाया तो वहां पर मूसा ने गीत गाया है आपको पता हो तो और उसकी बहन मरियम ने भी गीत गाया है तो वो ही पैटर्ना प्रकाशित वाक्य में देखने को मिलती थी जो हमने पिछले अध्याय में पंद्रहवें अध्याय में सुनी है ना देखा समझे थे कि वहां पर भी एक मूसा का गीत वहां पर और मेमने का का गाना गाना पर गाया गया है, का गाना. तो वो सब जुड़ा हुआ है और कुछ विपत्तियां जो यहाँ पर छुटकारे से पहले फिरोन के राज्य में मतलब मिस्र में आई थी वो ही विपत्तियां बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ मिश्रक के समय में हुआ नहीं था ये सब खाली काल्पनिक बातें हैं पर ये सब बातें हुई थी नील नदी का पानी लहू बन गया था तो ये सब बातें होगी इसका पुनरावर्तन इस सात कटोरे के न्याय के दौरान होने वाला है तभी तो ये संसार के लोग जो झूठ पर विश्वास कर रहे हैं, वो लोग जानेंगे कि नहीं परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया था और ये घटना हुई थी है ना तो ये होने वाली है वैसे ही वैसी ही विपत्तियां उस समय दस एक विपत्ति थी पर यहाँ पर आ, कुछ कुछ विपत्ति इसमें जुड़ी हुई वो हम आगे देखेंगे मतलब एक किस्म का पैटर्न यहाँ पर देखने को हमें मिलता है अगर इस पैटर्न को देखना है तो आप निर्गमन के सातवें अध्याय से ग्यारहवें अध्याय में वो विपत्तियों का वर्णन किया गया वो आप खोलकर उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो अब हम शुरू करते हैं सोलवा अध्याय सात कटोरे कटोरों का उंडेला जाना। ना तो ये ये जजमेंट जो है ये सोलह से अठारह अध्याय में है पर हकीकत में ये सोलहवा अध्याय में कंप्लीट हो जाता है सत्रहवा और अठारहवा अध्याय क्या है तो ये पूरा विवरण दिया गया है कि बाबिल का जो साम्राज्य है उस पर न्याय कैसे आएगा और उसके साथ क्या क्या घटनाएं जुड़ी हुई है ना तो ये सब बातें और कुछ कैरेक्टरों का वर्णन सत्रहवे अध्याय में हमें देखने देखने को मिलता मिलता है है और अठर वे, अठर, अठर वे अध्याय में भी देखने है। तो ये सब बातें उसमें है इसका मतलब ये नहीं कि ये घटना इसके बाद में कटोरों के ऊंडे ले जाने के बाद में आती है ना ये सत्रवा और अठारवा अध्याय इसके बारे में हम बाद में अभ्यास करेंगे पर ये दोनों अध्याय नहीं ये सात कटोरे के न्याय के साथ जुड़े हुए नहीं सात कटोरे के कुछ न्याय का ज्यादातर विवरण इन ज्यादातर मतलब कुछ न्याय का ज्यादा विवरण मैक्सिमम विवरण इन सत्रह और अठारवा अध्याय में देखने को मिलेगा आपको अगर आप पढ़ोगे उस समय तो और बेबीलोन के बारे में हम पिछले समय में भी समझ चुके कि वो आखिर पूरी सिस्टम क्या है तो सात कटोरे के न्याय की ओर हम आगे बढ़ते हैं पहला कटोरा पहले कटोरे का उंडेला जानम सोलवा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में इसका वर्णन है हम पढ़ेंगे आपके सामने स्क्रीन है आप, आप पढ़ सकते हो फिर मैंने मंदिर में से किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्ग दूतों से यह कहते सुना कि जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो So, पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर रुंडेल दिया और उन मनुष्यों के जीन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और फोड़ा निकला नहीं हॉरिबल पेनफुल सॉर यहां पर उनको निकला अब यहाँ पर शब्द फिर से वापस में दोहराया गया पंद्रहवे अध्याय में जो था वो ही परमेश्वर के प्रकोप परमेश्वर का प्रकोप नहीं यह परमेश्वर का प्रकोप है यह परमेश्वर का न्याय का समय आ गया है क्यों क्योंकि बहुत हो चुका नहीं अभी तक के समय में परमेश्वर ने सारे सारे मौके सारा समय उनको दिया मन फिराने के लिए पश्चाताप करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए सुसमाचार सुनाया दासों को भेजा सृष्टि के द्वारा बताया अनगिनत बातों के द्वारा उनके आम सामने कहीं ना कहीं के हर एक मनुष्य के सामने कहीं ना कहीं हर एक मौका तो आया ही है इसलिए काल के समय के लिए ऐसा लिखा गया है कि कोई भी उस समय बहाना नहीं निकाल पाएगा क्योंकि परमेश्वर सबको सब तरीके से यह बातें बताते हैं हालांकि यह समझना हमारे बस से बाहर की बात है कि प्रभु इस तरीके से बताएगा उनको कैसे बताएगा ऐसे संभव नहीं है ये परमेश्वर के ऊपर छोड़िए प्यारू नहीं ये प्रभु के लिए सब संभव है प्रभु हर एक के साथ बात करता है प्रभु गूंगे व्यक्ति के साथ भी बात कर सकते हैं अंधे के साथ भी बात कर सकता है प्यारू और बहरे के साथ भी बात कर सकता है नहीं? ये क्योंकि परमेश्वर आत्मा का बनाने वाला है मनुष्य के अंदर के आत्मा को मन को बनाने वाला परमेश्वर है इसलिए उसे सब पता है नहीं और इसलिए वो सारी डील भी कर सकता है तो यहां पर जो प्रकोप का समय आ चुका है तो वो पहला कटोरा आप देखिए अभी जो बोला योम की में मंदिर में वो जाता था नहीं कौन तो महायाजक। और हमने पंद्रहवे अध्याय में यही बात देखी उसकी आप निकाल कर देखिए आखिरी आयत पंद्रवे अध्याय में सातवीं आयत में लिखा है आठवीं आयत सॉरी और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया मंदिर धुएं से भर गया पांचवी में लिखा है मंदिर खोला गया और हमने देखा था कि जो सात स्वर्गदूत को कटोरे दिए गए उनके पहरवेश, उनका पहनावा भी उन याचकों के समान था है ना तो यह बात यहाँ पर यह बात साबित करती है कि यौम में वो ही याजक मतलब नहीं वहां पर याजक जाता है और फिर बाहर आता है और यहाँ पर वही बात हुई है पंद्रहवें अध्याय में कि मंदिर में फिर कोई जा ना सका जब तक ये सात कटोरे का, का न्याय और उसकी विपत्तियां पूरी ना हो गई तो यही बात हो रही है यहाँ पर भी अब देखिए ये पहला कटोरा जब उंडेला गया तो क्या हुआ हर एक के ऊपर नहीं पर कौन टारगेट थे इसमें जिन पर पशु की छाप थी मतलब पशु मतलब मछली विरोधी नहीं ख्रिस्ट विरोधी और जिन्होंने उसकी मूरत की पूजा की थी है ना इन लोगों पर यह न्याय जाहिर किया गया है ना इनको मौके दिए गए इनको चुनाव करने के मौके दिए गए सब कुछ इनके सामने था पर फिर भी इन्होंने मन नहीं फिराया और उन्होंने जो चुना वो नहीं उन्होंने जो बोया वो वो काट रहे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा इनको निकला ऐसा लिखा है दुखदायी फोड़ा उनको निकला यहां पर इंग्लिश में जो शब्द लिखा है इसको ज्यादा मतलब गहराई बताते हॉरिबल भयानक और लिखा है पेनफुल मतलब बहुत पीड़ा देने बहुत पीड़ा देने वाला आप अगर पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा ऐसी भयानक बात हो सकती है क्या ये कैसी कैसी भारी विपत्ति होगी मिस्रत पर जब विपत्तियां आई तब उस छठी विपत्ति इस प्रकार की थी कि उस समय मनुष्य और पशु दोनों पर फोड़े निकले थे मनुष्य और पशु दोनों पर फोड़े निकले थे पर यहां पर सिर्फ मनुष्यों के ऊपर फोड़े निकले अब यहाँ पर क्या हुआ उस समय जैसे फिर मन कठोर किया फिर और उसके कर्मचारियों ने उसके साथ में जो थे और जादूगर थे उन्होंने अपना मन कठोर किया वैसे यहां पर भी वही बात हो रही है नहीं कि यहाँ पर ये लोग इनके हृदय कठोर हो गए अब आप सोचे प्यारो कि इतना दर्द इतना दंड इतना न्याय इनके सामने आया है फिर भी ये पश्चाताप करने से इनकार कर रहे मन फिराने से इनकार कर रहे तो आखिर में इनके लिए क्या हो सकता है प्यारो न्याय के अलावा और कोई बात नहीं रह सकती है नहीं और ये परमेश्वर का भारी न्याय इनके ऊपर आ गया यहाँ पर प्यारो ये लोग नहीं चाहते थे कि से बाहर आए इन्होंने हर एक प्रयास किए होंगे नहीं आ, वहां पर जो एंटी क्रैश था उसने उसके साथ उसके सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारी बातें जुटले वादे किए होंगे कि भाई आपको मेरे राज्य में कोई कमी घटी नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा सब कुछ अच्छा होगा आपके लिए आपके दिन बड़े ही अच्छे रहेंगे नहीं। और प, वहां पर लिखा है कि पूरी पूरी दुनिया उसके पीछे हो गई थी मतलब सभी लोग छोटे बड़े धनवान सभी लोग नहीं सभी लोगों ने छाप उसकी ले ली थी मतलब सभी ने सहमति बताई थी कि हम तेरे साथ है हम तेरे साथ जुड़ गए हैं नहीं मतलब लोग इस एक किस्म से मतलब उसके पीछे पागल थे यू पर यहां पर उनको पता चल जाता है कि इनके ध्यान में आता है कि यहाँ पर ये भी कुछ नहीं कर पा रहा नहीं और विशेषकर इन्हीं लोगों को हुई है जिन्होंने छाप ली थी दूसरी बात दूसरा कटोरा अब दूसरा कटोरा तीसरी आयत में लिखा है और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए का सा मरे हुए का सा लहू बन गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया क्या हुआ यहां पर क्या हुआ है मरे हुओं का सा लहू बन गया नहीं दूसरे ने जब कटोरा उंडेला तो कहां पर उंडेला सूर्य आ, समुद्र पर उंडेला और क्या हुआ वहां पर उसका पानी लहू बन गया, गया और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया, गया। यहाँ पर टारगेट समुद्र हुआ है और समुद्र का हर एक जीव भी मर गया यहाँ पर अगर आपको पता हो तो दूसरी तुरही का जब न्याय नहीं जाहिर हुआ था दूसरी तुरही फूकी गई थी सेकंड ट्रम्पेट तो वहां पर लिखा था वो भी इसी तरीके की सिमिलर मतलब बिल्कुल ऐसी ही विपत्ति थी पर वहां पर समुद्र का वन थर्ड हिस्सा नहीं एक तृतीयांश हिस्सा अफेक्टेड हुआ था असरग्रस्त हुआ था प्रभावित हुआ था पर यहाँ पर बाउल जजमेंट में कटोरों के न्याय की बात आती है तब एक तृतीयांश की बात नहीं होगी पूरा का पूरा हंड्रेड मतलब एक तृतीया उस समय मर गए थे यहाँ पर सारे के सारे मर जाएंगे प्यारे आप सोचे कैसी भयानक बातें वहां पर होगी एक तो लोगों पर फोड़े निकल आए हैं दूसरा वहां पर समुद्र जीव मर गए समुद्र का पानी लाल लाल हो गया है लहू हो गया है और प्यारो आ, नहीं कितनी दुर्गंध आप सोचो थोड़े कुछ कुछ मछलियां मर जाती है तो कैसी दुर्गंध मारती है सब जीव मर जाएंगे प्यारा समुद्र में के हर एक जीव मर जाएंगे क्या हालत होगी आप सोचो और इससे बहुत भयानक परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगे इस प्रकार की बातें इन दिनों में हो रही है कुछ कुछ जगहों पर कि कुछ हिस्से समुद्र के लाल हो जाते हैं आ, ऐसा बताया है उसका अभ्यास किया है, लोगों ने साइंटिस्ट ने तो वहां पर बताया कि एक किस्म की आलगी एक किस्म का फंगस वहां पर क्रिएट होता है जो उस पानी को लाल रंग में तब्दील कर देता है उस एरिये में, उस में, एरिया जहां तक वो आलगी फैली हुई थी मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ उस समय आलगी फैलेगी या लहू बन जाएगा पर पानी लहू बन जाएगा यहाँ पर यह बात है नहीं, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है और हर एक समुद्र का समुद्र का जीव मर जाएगा इससे क्या असर होगी और पूरा पूरा देखा जाए तो समुद्र पूरे ऑशनिक बॉडी पूरी ऑशनिक बॉडी पॉल्यूट हो जाएगी बिल्कुल प्रदूषित हो जाएगी और भारी बदबू की और प्रदूषण की वजह से क्या होगा दूसरे रोग और महामारियां जन्म लेंगे वहां पर और इस वजह से दूसरी भी एक चीज होगी बारिश पर और हवामान पर भी वातावरण पर भी बहुत भारी बदलाव आएगा उस समय में क्योंकि आ, समुद्र की जो प्लांट्स है वो समुद्र का जो वातावरण होता है ज्यादातर वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट करने का आ, क्योंकि वहां पर कोई पेड़ नहीं होते है ना तो वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट करने के लिए या उसके वहां पर उ, समुद्र में जो आ, जो प्लांट्स होते, जो होते हैं जो पौधे होते समुद्री प्लांट्स नहीं तो वहां से ये ऑक्सीजन भी क्रिएट होते हैं तो और भी बहुत कुछ भारी विपत्तियां इसके साथ में संसार में आएगी इवन बहुत सारे लोग नहीं मछली और बहुत सारे जीव खाते हैं फूड सोर्स थे ये लोगों का तो ये भी खत्म हो जाएगा लोगों का फूड सोर्स भी और दूसरी अगर बात बोली जाए तो उस समय एंटी क्राइस्ट का और दुनिया में उसके साथ जुड़े हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो बिजनेस जो शिपिंग बिजनेस होगा नहीं जो समुद्र की मार्ग से होकर जो बिजनेस होता है उनका नहीं ट्रांसपोर्टेशन का वो भी बहुत भारी असर में आ जाएगा फिशिंग इंडस्ट्रीज भी क्योंकि खत्म हो जाएगा तो प्यारो आप सोचो बहुत भारी बदलाव विश्व में उस समय आ जाएगा प्यारो महामारियां आर्थिक तंगी यह सब कुछ उस समय आएगा प्यारो हम और भी आगे देखते जब मिस्र देश में पहली विपत्ति वहां पर आई थी तो वो ये पहली विपत्ति मूसा और हारून जब फिर के पास गए थे तो वो नील नदी को उन्होंने खून में तब्दील कर दिया था वहां पर तो वैसे यहाँ समुद्र और तीसरा कटोरा है पानी पानी के सोतो उसके ऊपर यह न्याय जाहिर होता है वो भी वहां पर भी ऐसी बात होती है देखिए तीसरा कटोरा उंडेला गया सोलवा अध्याय चौथी चार से सात आयत क्या लिखा है और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए क्या हुआ कहां पर नदियों और पानी के स्रोतों पर और वे लहू बन गए और मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना कि हे पवित्र जो है और जो था तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य वक्ताओं का लहू बहाया था और तूने उन्हें लहू पिलाया क्या लिखा है तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना वेदी से कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे निर्णय यहाँ पर जजमेंट से शब्द जो है तेरे न्याय ठीक और सच्चे ठीक और सच्चे मतलब राइस न्याय न्यायी है तेरे काम तेरे चुकादे एकदम न्यायी है तू पक्का न्याय करता है बहुत सीधा न्याय करता है और तू न्याय करता है यह बात बताता है परमेश्वर न्याय ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देगा प्रभु नहीं प्रभु किसी को नहीं छोड़ेगा प्यार सबको भुगतना पड़ेगा ही वहां पर जिसने भी परमेश्वर के राज्य के विरोध में परमेश्वर की इच्छा के विरोध में जो भी बातें की होगी नहीं भुगतना तो है क्योंकि प्रभु न्याय करने वाला खुदा है प्यारो प्रेम भी है खुदा दयालु भी है पर साथ में वो न्याय भी है वो न्याय भी करता है देखिए यहां पर वो बात जाहिर हो रही है। अब पानी के सोतो नदियों और पानी के सोतो और ये सब कुछ लहू बन गए आपको पता हो तो ज्यादातर नदियां जो भारत में और विश्व में बहती है वो खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है और पीने के पानी के साथ उसका कनेक्शन है है ना हालांकि अभी तो वो बोरवेल्स ने ये सब बहुत कुछ आ चुका है पर नदियां और जो सोते हैं झरने है, ये सब कुछ लहू बन जाएंगे हाँ ये कोई कहानी नहीं है ये, ये सच्ची बातें होने वाली है प्यारो ये सब लहू बन जाएंगे आपको पांचवी मुहर के समय में जो शहीदों ने पुकारा था ने? हमने देखा था पांचवी मोर खोली गई तो वेदी के नीचे उन शहीदों की आत्माओं को उनके प्राणों को देखा जिन्होंने पुकारा था कि कब तक हमारे लहू का बदला लिया नहीं जाएगा उसका न्याय कब तक लिया नहीं जाएगा नहीं और यह वो न्याय है जब तीसरा कटोरा ऊंडेला गया तो यह उनका न्याय जाहिर हुआ इसीलिए सातवीं आयत में यहां पर लिखा है कि वेदी से वेदी से वेदी से वेदी से यह शब्द सुना कि हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे निर्णय ठीक और सच्चे है नहीं? परमेश्वर ने उनका रिवेंज उनका बदला यहाँ पर लिया है उनकी पुकार का यहाँ पर जवाब दिया है देखिए ये ये दूत के द्वारा दुण कंफर्म किया गया कि ये उनके लहू का उनके प्राणों का बदला था क्योंकि असंख्य विश्वासी लोगों की हत्याएं हुई है प्यारो अगर आज देखे तो हर एक दिन पर डे ग्यारह विश्वासियों को मार डाला जाता है एक दिन में ग्यारह विश्वासियों की हत्या होती है उनके विश्वास के कारण प्यारो आपको पता हो तो यह चित्र आपके सामने है याद है कुछ दो तीन साल पहले कुछ हुआ था 21 लोगों को समुद्र के किनारे आईएस आई एस आतंकी जूथ जो जूथ था उनके लोग लेकर गए थे आपको याद हो तो और फिर उन 21 लोगों की क्या हुआ था उनका गला काट किया काट दिया था उनका गला रेत कर उनको मार डाला गया था और उन सबको एक मौका दिया था उस समय कि आप यीशु मसीह का इनकार करो और जो हम बोल रहे हैं, उसका स्वीकार करो पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया उनकी बात का उन्होंने बोला था कि हम यीशु के लिए मरेंगे और उन लोगों की वहां पर नहीं उनकी शहीदी हुई वहां पर प्यारो वो मारे गए उनकी हत्या कर दी इन लोगों ने और वहां पर समुद्र का समुद्र के किनारे के पास समुद्र लहू जैसा हो गया था प्यारो उनके लहू से उनका ल, उनका लहू बह निकला था उनके उनके सिर धड़ से शरीर से अलग करके वहां पर डाल दिए थे प्यारो ऐसे तो कितने सारे लोगों को रोज सताया जाता है अभी कुछ चार पांच दिन पहले ही बिहार में या यूपी में नहीं सॉरी ओड़िशा में एक चौदह साल के विश्वासी को टुकड़े करके बाहर डाला गया था तो प्यारो अब यह वो समय है कि जिसमें विश्वासी लोग नहीं अपने विश्वास के लिए बहुत कुछ सहन कर रहे हैं पर उन लोगों को ऊपर प्रताड़ उनको उनको प्रताड़ित करने वाले उनको परेशान करने वाले उनका सताव करने वाले लोगों को नहीं बहुत भारी जवाब देना होगा उनको सत्य बताया गया है और फिर भी उन्होंने इनकार किया और उनके इन शहीदों के लहू का बदला ने लिया जाएगा इनको लहू ही चाहिए था है ना इनको लहू ही चाहिए था इनके लहू के प्यासे हैं ये लोग नहीं इनके लहू के प्यासे थे और इसीलिए इनको परमेश्वर बोला तो जाओ तुम्हें लहू ही पीना है तो मैं तुम्हें लहू पीने को देता हूँ जाओ तुम्हें लहू ही पीना है ना तो मैं तुम्हें लहू पीने को देता हूँ लहू पिलाऊंगा इसलिए यहाँ बाइबल में लिखा है कि तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है छठी आयत में लिखा है क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्य का लहू बहाया और तू ने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य क्योंकि इन्होंने पानी के माफिक लहू बहा दिया था इसलिए उनको लहू पीने को दिया गया है पानी की माफक इनको पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा उस समय फांफे मारेंगे इधर उधर ताकेंगे, पर पानी नहीं मिलेगा उस समय उन्होंने जो बोया उन्होंने लहू बोया और अब वो लहू काट, लहू की कटनी काट रहे और प्रभु ने अपना न्याय वो वो राइचियस है वो धर्मी है वो न्याय है इस तीसरे कटोरे के न्याय के द्वारा ये परमेश्वर ने बता दिया है कि वो राइचियस है मिस्र देश में फिर में जो पहली विपत्ति थी वो नील नदी का पानी वैसी ही यही विपत्ति थी प्यारो लोग प्यासे हो जाएंगे पानी के लिए उनको पानी नहीं मिलेगा अब अब सोचो प्यारो इजीली पानी वहां पर नहीं मिलेगा उस समय क्या हालत होगी क्या हालत होगी बहुत गंभीर स्थिति में बहुत सारे लोग आ जाएंगे पानी महंगा भी हो जाएगा है ना पता नहीं उस समय क्या होगा पर बोरवेल से भी लोग पानी निकालेंगे मतलब लोग मुंह मांगा दाम मांगेंगे उस समय बहुत कुछ होगा चौथा चौथा न्याय चौथे कटोरे का उंडेला जाना अः अध्याय आठ और नौ आयत अध्याय आठ और नौ आयत और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया क्या हुआ है यहां पर चौथा कटोरा नहीं चौथा स्वर्गदूत लेकर निकला और वो कटोरा वो फियाला क्या किया गया सूर्य पर उन्देल दिया गया में में इसकी भविष्यवाणी चौथे अध्याय में पहली और दूसरी आयत में लिखी हुई है इसको खोल आप निकाल कर देख सकते हो मालाखी चौथा चो, अध्याय एक और दो में जो प्रोफेसी हुई थी वो इस बात को लेकर थी और ये यहाँ पर पूर्ण होगी क्या हुआ है यहाँ पर सूर्य पर यह कटोरा उंडेल दिया गया है उस समय क्या होगा नहीं यहाँ पर मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार था निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिरा सूर्य की गर्मी उस समय में जब ये कटोरा उंडेला जाएगा जब यह न्याय जाहिर किया जाएगा तब क्या होगा एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए बढ़ जाएगी इसकी गर्मी अत्याधिक बढ़ जाएगी प्यार सूर्य का जो सबसे ठंडा हिस्सा है कूलेस्ट पार्ट ऑफ द सन सड़सठ सो डिग्री है वो भी सड़सठ सौ सड़ डिग्री है प्यारा, आप सोचे कितने कितना गर्म हिस्सा है वो अब ये कौन सी घटना के साथ जुड़ा हुआ है मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं आप इसमें जुड़िएगा यहाँ पर ये नासा के द्वारा जो उनकी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है पूरी सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी पूरी ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है उनकी उन्होंने उ, उनके टेलीस्कोप के द्वारा वो पूरी नजर सूर्य पर रख रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सब करते हैं अपने ग्रहो, अपने ग्रहों अपने अपने सैटेलाइट्स को भेजते हैं स्पेस में और उसमें यह वीडियो बाहर आया ये उस उनका वीडियो है उन्होंने जारी किया था अब सूर्य पर कुछ होता है अगर आपको पता हो तो सूर्य पर जैसे यहां पर टॉर्नेडो बवंडर होते वहां पर हर दिन मतलब वहां पर यह बवंडर ये जिसको बोलते सूर्य तूफान सूर्य तूफान हर क्षण वहां पर जारी रहते और यह कैसे होते नहीं तो इसमें इसका वर्णन किया गया है और उस तूफान को आ, के द्वारा एक और चीज वहां पर जन्म लेती है जिसको बोलते हैं सी एम ई सी एम ई अब ये सी एम क्या है सूर्य का जो बाहरी वातावरण है उसको बोलते हैं कोरोना अभी का जो कोरोना है वो नहीं पर सूर्य का बाहरी वातावरण है उसको कोरोना बोलते हैं और वो जो वातावरण है उसमें कोरोनल मास इजेक्शन होता है वहां पर कोरोनल मास इजेक्शन जिसको बोलते सी एम ई अब ये एक सी एम ई कितना होता है पता है? एक सी एम ई का पावर कितना होता है ऐसा इजेक्शन होता है ऐसा इरप्शन होता है मतलब सूर्य की ज्वाला है बहुत बड़ी ऊंचाई पर उठ निकलती है वहां पर समुद्री जैसे सूर्य का तूफान हो वहां पर और ये ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है प्यारो एक बिलियन परमाणु बम हाइड्रोजन परमाणु बम के बराबर है एक सीएम और ऐसे तो कई सीएमई सूर्य पर होते रहते हैं असंख्य प्यारो और पिछले कुछ सालों में ये सब बातें हुई है सबसे पहला और पावरफुल सी हुआ था अठारह में हुआ था ये जिसको बोलते हैं अगर ऐसा आज वापस हुआ तो पूरे विश्व में ब्लैकआउट हो जाएगा बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर जलकर खाक हो जाएंगे प्यार बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खत्म हो जाएगी प्यारो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और ऐसा इससे थोड़ा कम वापिस भी हुआ था उसके कुछ सालों बाद और अभी लेटेस्ट बहुत भारी जो सबसे पहला अठारह सो उनसठ में हुआ था वैसा ही अगस्त 31 2012 में हुआ आथ से आठ साल पहले की बात 2012 में ये हुआ अगस्त 31 में और ये क्या हुआ था पता है अग ये ऐसा ही सीएम था कोरोनल मास इजेक्शन इरप्शन हुआ था वहां पर और पता है पृथ्वी पृथ्वी वहां पर बच गए आठ दिन एक हफ्ता पहले अगर ये इरप्शन होता तो पृथ्वी जलकर खाक हो जाती आपको पता चल जाएगा अब ये वीडियो से कैसे ये होता पृथ्वी पर बहुत भारी हालत हो जाती इसकी बहुत खराब हालत में पृथ्वी के लोग आ गए होते अगर बचती तो आज भी हम इसमें से रिकवर होने के लिए फाफे मार रहे होते हाँ देखिए इन वीडियो इस वीडियो को आप देखिए ये देखिए ये कोरोनल मास इरप्शन फिर से हम देखते हैं देखिए यहां पर अब दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या हुआ था यह आपको दिख रहा होगा इस प्रकार का सीएम होता है कोरोनल मास इराप्सन अभी आपने देखा ना नहीं, नहीं? आ, किस प्रकार से आग की लपटे ऊपर तक उठी और यह बहुत ऊपर तक उठती है प्यारो और यहां पर आपको दिख रहा है पृथ्वी पृथ्वी दिख रही है यहाँ पर इस चित्र में आपको दिख रही होगी पृथ्वी है ना मतलब पृथ्वी इस समय यहाँ पर थी और यह कोरोनल मास इराप्सन यहां पर हुआ 2012 में यह आपको दिख रहा हो तो यहां पर हुआ अब आप सोचो एक हफ्ता पहले पृथ्वी बराबर इसके सामने थी एक हफ्ते पहले एक हफ्ते पहले पृथ्वी बराबर इसके सामने थी क्या होता अगर ऐसा होता तो देखिए यहां पर इस प्रकार होता है फिर से मैं देख दिखाता हूं यहां पर देख रहा है आपको ये जो काला काला जो हिस्सा है यहाँ बीच में सूर्य है पूरा ऑरेंज सर्कल आपको दिखाई देगा ये काला हिस्सा है ये सूर्य का कोरोनल मास पूरा बराबर और यह सूर्य का वातावरण है आखिरी जो हिस्सा है आखिरी जो डिस्क है अब सूर्य में से यह इरप्शन हुआ तो पृथ्वी बिल्कुल पास में हो सकती थी उस समय पर आगे निकल चुकी थी इस प्रकार हुआ एक और थोड़ा सा आगे देखते हैं देखिए इस प्रकार पृथ्वी का वातावरण है पृथ्वी है यहाँ पर और आप देखिए पृथ्वी का वातावरण है यहाँ पर है ना ऐसा बोलते हैं कि सौ किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के लेवल से सौ किलोमीटर ऊपर यहाँ पर पृथ्वी का वातावरण होता है और जब ये इरप्शन होता है सूर्य में तो स्पेस में बहुत सारा मतलब उसका मलबा भी साथ में निकलता है नहीं? उसमें कुछ पार्टिकल्स भी होते वो पार्टिकल्स छोटे छोटे नहीं होते बहुत बड़े बड़े होते और वो इस वातावरण में आ जाते हैं वातावरण में आते हैं नहीं पर उस पृथ्वी का वातावरण क्या करता है इन सब को रोक लेता है देखिए देखिए इस प्रकार आपको दिख रहा है इस प्रकार की बात हो रही है परमेश्वर ने देखिए प्यारो हमारे किस प्रकार नहीं बचा कर रखा है और उस समय भी यही बात होने वाली है है ना हम्म सॉरी उस समय भी शायद ये हो सकता है सूर्य की गर्मी बढ़ गई नहीं चौथा कटोरा जब डाला गया तो हर एक घटना का साइंटिफिक पहलू होता है देखिए नहीं हर एक सिक्के की दो साइड होती है यहाँ पर एक सिक्के पर हम देख रहे हैं ये हमें पता है कि चौथा कटोरा गया सूर्य के ऊपर है ना पर वैज्ञानिक लोग इसको उस उनकी नजरों से जब देखते तो इस घटना के साथ हम उसको जोड़ सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी अत्याधिक मात्रा में बढ़ जाएगी क्या हुआ आगे यहां जैसे शाद्राक शाद्राक उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी वैसे ही यहां पर पृथ्वी वासियों की अग्नि परीक्षा आग की भट्टी में से होकर जैसे उनको गुजरना पड़ेगा पर जैसे मानो कि ये उनके लिए एक बहुत भारी लाचारी का समय होगा उन विश्वासियों के लिए पेशा पेशाक अबेदनगोर के लिए उनके साथ परमेश्वर था जिसने वायदा किया था कि मैं तुझ तेरे साथ रहूंगा तुझे आगे में से होकर निकलना पड़ेगा समुद्र में से जाएगा नहीं पर तू न डूबेगा और लो तुझे आंच न लगाएगी और वो परमेश्वर उनके साथ था पर जिनको ये परमेश्वर समझ रहे वो ही यहाँ पर हेल्पलेस हो गया ये परमेश्वर का न्याय ही कुछ इस तरीके का है जो बताता है कि सर्वोपरि हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है चाहे जितने भी लोग जितने भी नाम अपने नाम को बड़ा कर ले अपनी ख्याति बड़ी कर ले पर परमेश्वर यीशु का नाम सबसे बड़ा और ऊंचा ही रहा रहा है रहे और रहेगा प्यारो और उस समय के लोगों को पता चलेगा कि जिसको हमने जिसकी आराधना हम कर रहे हैं जिनको हमने परमेश्वर समझ बैठे वो भी यहाँ पर लाचार वो भी कुछ नहीं कर पा रहे उसके वादे भी झूठे पड़ रहे हैं प्यारो अकेला एक ही है जो उनके वायदे पर खरा उतर सकता है और वो हमारा परमेश्वर यशु मसी है प्यारो लोहिया परमेश्वर इस न्याय के द्वारा एहसास कराएंगे कि जिसकी तुम भक्ति करने के लिए जिसको तुमने चुना है ना वो भी असमर्थ है इसके ऊपर भी इतना सहने के बावजूद भी एक तो फोड़े है पीने को पानी नहीं है ऊपर से आग से जुलसी गर्मी है फिर भी नहीं ये लोग ने क्या किया वहां पर पता है? परमेश्वर की निंदा की दोष दे रहे परमेश्वर को अभी भी नहीं मन फिराने के लिए रिपेंट करने के लिए वो मना कर रहे प्यारो नहीं और हकीकत में वो अपने लिए श्राप को ले रहे श्राप को मोल लिया इन्होंने, श्राप उन्होंने स्थापित होना ही चुन लिया है प्यारो तो आखिर में यही बात उनके लिए है पांचवा कटोरा पांचवा कटोरा क्या बताता है जब पांचवा कटोरा उंडेला गया तो क्या हुआ यहां तक के कटोरे के बारे में आपके ध्यान में आता हो तो आप सोचिए प्यारो नहीं वो कैसा भारी और भयानक समय होगा आप और मैं जागते ना रहे नहीं परमेश्वर के साथ जुड़े ना रहे तो आप कर मेरा हश्र हो सकता है यहाँ पर और ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है अंत के समय में इस समय में बहुत सारे लोग का प्रेम ठंडा हो जाएगा परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा बहुत सारे लोग परमेश्वर को नकार देंगे अरे यीशु कहाँ है ये इतनी बीमारी महामारी मेरा परिवार तकलीफ में ये हो गया वो हो गया ये कहाँ है जिसको प्रभु मान दे कहा है नहीं? और बहुत सारे लोग यीशु को छोड़ रहे हैं अरे छोड़ो भाई बहुत सालों पहले एक वर्षिप लीडर था जिसका नाम मैं भूल गया उसने येशु को खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया छोड़ दिया प्रभु का धन्यवाद कि पवित्र आत्मा ने उससे व्यवहार करना जारी रख किया कुछ ही समय में एक दो साल के भीतर ही उसने वापस अंगीकार कर लिया और वो फिर से आज परमेश्वर की आराधना कर रहा है पर मूल बात यह है कि क्या हमें और कितने सबूत चाहिए क्या परमेश्वर के वचन काफी नहीं है उसकी सच्चाई को परखने के लिए क्या वो परमेश्वर आपको संभालता है बचाता है वो काफी नहीं है क्या क्या वो परमेश्वर आपको हर एक क्षेत्र में नहीं उन्नति देता है आगे बढ़ाता है ऐसी भारी स्थिति में भी आपके परिवार का गुजारा कर रहे क्या वो काफी नहीं है नहीं कि और भी हमें प्रमाण चाहिए उसकी सच्चाई के प्यारे क्या प्रमाण मिलेगा प्यारो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब यहूदियों ने प्रमाण मांगा तो उन्होंने परमेश्वर ने बोला इनको कौन सा दिया जाएगा सदोम अमोरा का और यूना के समय का प्रमाण दिया जाएगा कि भाई उनके जैसा न्याय प्यारो क्या अपेक्षा करते हो आप जिंदा परमेश्वर जो था जो है और जो आने वाले वो यीशु है प्यारो उसके अलावा की आराधना करे उसी के साथ जुड़े रहे प्यारो वो ही महिमावत है हम कटोरे की सोलवा अध्याय और दसवीं ग्यारहवीं आयत हम निकाल के पढ़ेंगे, लिखा है और पांचवे ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया क्या हुआ यहाँ पर कटोरे को जब उंडेला गया तो कहां पर उंडेला गया है Throne of the Beast, नहीं? जो उस का वो कहां पर बैठा था कहां पर बैठ गया था वो साढ़े तीन साल के मध्य में नहीं कहां पर बैठ गया था वो मंदिर में है ना इसलिए लिखा है कि जब वो घृणित वस्तु नहीं वहां पर बैठी हुई देखो तो समझ लो नहीं अब वो समय आ गया है भाग जाओ ऐसा लिखा है वहां पर मतलब उसके सिंहासन पर यह उंडेला गया हो सकता है उस समय उस मंदिर पर भी कोई विपत्ति आए पर यहां पर क्या हुआ उसके सिंहासन पर उंडेला जाने का मतलब यहां पर क्या है कि उसकी जो सिस्टम है उसके ऊपर यहाँ पर न्याय आ रहा है और इसका वर्णन अगर आपको पता हो तो सोलवे सत्रहवे और अठारवे अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन वहां पर मिलेगा हमें उसको आप पढ़ना बाद में हम उसकी स्टडी भी करेंगे आने वाले समय में पर यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि उसके सिंहासन पर दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीप चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया क्या हुआ अपने अपने कामों से मन न फिराया मिश्र जब वो विपत्तियां आई थी फिर उनका राज्य था उस समय मूसा और हारून जब वहां पर थे ना क्या हुआ था उस समय नौवीं विपत्ति बिल्कुल ऐसी ही थी कि तीन दिन तक वहां पर अंधेरा छाया और तीन दिन तक कोई जहां पर बैठा था वहां से ऐसा लिखा है निर्गमन की किताब में में कोई उठा नहीं वहां से इतना अंधकार था कि बाजू बैठा हुआ व्यक्ति भी कोई देख नहीं पा रहा था और इसका वर्णन इसके बारे में योयल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय और पहली दूसरी आयत में इसका वर्णन किया गया इसकी भविष्यवाणी की गई जो अंधकार के बारे में है कि पूरा विश्व में इस प्रकार का अंधकार छा जाएगा प्यार। और लिखा है पहला थे पांचवा अध्याय और चौथी पांचवी आयत में हम इसको बाद में पढ़ेंगे पर इस पर हम बाद में गौर करते पर अभी जो बात है मूल कि वहां पर क्या हो रहा है अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण अब फोड़े भी है गर्मी भी है ताप भी है उससे तो झुलस गए पानी नहीं मिल रहा है इस अवस्था में इनकी हालत क्या होती है अंधकार कहीं जा भी नहीं पा रहे घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे क्या हालत होगी इनकी प्यारों अब यहां पर कितने दिन तक अंधेरा छा रहेगा ये नहीं लिखा है उस समय में फिरोन के समय में तीन दिन का था यहां पर तीन दिन का है तीन महीने का है या कितना है वो पता नहीं है पर अंधेरा होगा ये कंफर्म है एंटी क्राइस्ट अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएगा नहीं उसके सारे सिस्टम फेल हो जाएगी जैसे एहसास करवाएंगे इन लोगों को कि फिर से कि तुम जिसकी भक्ति कर रहे हो वो असमर्थ है वो कुछ नहीं कर सकता है मान लो कि यह एक किस्म का उन व्यक्तियों के लिए जो जो दुष्ट है नहीं जिन्होंने यीशु का इनकार किया है उनके लिए एक नर्क का प्रीव्यू है सोचे शरीर में भयानक भारी पीड़ा है अंदर भी पीड़ा है शरीर में शरीर के ऊपर भी पीड़ा है मानसिक रूप से भी पीड़ा में बाहर अंधकार है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या कर रहे नहीं? यह एक किस्म का मतलब नरक का अनुभव उनको दिया जा रहा है नहीं आग है हीट और अंधेरा है मतलब अग्नि का कुंड है नरक की झील नहीं और अंधकार का खड्डा है वो पूरा पूरा अंधेरे से भरा हुआ था कुल यार यार आप सोचे अंधकार की शक्तियों की बात करें यहाँ पर नहीं। अंधकार डार्कनेस परमेश्वर ने हमें क्या बोला बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप निकाले मेरे साथ पहला थे सोलोनिकियो उसका पांचवा है चौथी पांचवी आया पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े जहां चोर के समान दिन की बात की है वो परमेश्वर के मेघारोहण का जो समय था का उसकी बात है, चोर के समान क्योंकि अगर प्रभु का दिन देखिए चोर के समान आने का दिन और प्रभु का दिन ये दोनों दिन अलग है प्रभु का दिन जहां भी लिखा है वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट उसके बारे में लिखा है कि जब वो आएंगे बैटल ऑफ आर्मा की बात है वो, वो हम आगे सीखने वाले हैं उसकी बात है पर चोर के समान जो स, आ, नहीं आने की बात की गई है वो रेपर की बात है और उसमें विश्वासी लोगों को प्रभु उठा लेंगे देखो क्या लिखा है यहाँ चौथी आयत में तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो हम न रात के हैं न अंधकार के हैं ना। मतलब परमेश्वर यहाँ बहुत साफ बता रहा है कि तुम इस दिन के लिए नहीं हो आ, पहला की पहला अध्याय और दसवीं में लिखा है विश्वासियों के लिए और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बात जोते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया अर्थात ये की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है क्या लिखा है आने वाले प्रकोप से आने वाले प्रकोप से हमें बचाता है पॉलुस इन विश्वासियों को बोल रहे आने वाला प्रकोप है उससे तुम्हें बचा लेगा नहीं लिखा है इसका जो मूल शब्द है सेपरेशन ऑफ ए पार्ट फ्रॉम द होल मतलब होल पार्ट इज टेकन मतलब पूरा भाग जो है विश्वासियों का उसको अलग कर दिया जाएगा क्योंकि वह ज्योति की संतान है उजाले की संतान है इसलिए उनको उजाले में ले लिया जाएगा उनको अंधकार में नहीं छोड़ा जाएगा लोहिया विश्वासी लोग प्रभु का धन्यवाद करें प्यारो क्योंकि आप और मैं यह दिन देखने के लिए वहां पर नहीं होंगे हाल लोहिया क्योंकि उससे पहले सात साल का जो काल शुरू हो उससे पहले का समय आने वाला है पर वो समय अनिश्चित समय है जिसके बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता है तो ये दिन इन लोगों के लिए मानो नर्क का एहसास कराने का समय हो जाएगा प्यारो और यहाँ पर भी ये लोग नहीं क्या कर रहे ग्यारहवी आयत में अपनी पीड़ा और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया प्यारो आप क्या सोचते हो कई बार लोग बोलते हैं कि इनको तो सजा होनी चाहिए इनको तो ये होना चाहिए ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए नहीं पर प्यारो दंड या तो प्रताड़ित करने से किसी की अकल ठिकाने नहीं आएगी प्यारो नया हृदय देने वाला परमेश्वर है नया मन देने वाला परमेश्वर है प्यारो और वो नए जन्म के अलावा मतलब यीशु को प्रभु और उद्धार ग्रहण करने के अलावा संभव है ही नहीं आप और मैं एक समय इस संसार में खोए हुए थे और आपका और मेरा दिल किसने बदला यीशु के प्रेम ने बदला प्यारे ऊपर बहुत सारा दंड आ गया हमारे ऊपर बहुत सारी पेनल्टी जाहिर की बाद में हम यीशु के पास आए क्या अगर ऐसा होता कि भाई यीशु पेनल्टी ही देगा हमें दंड ही देने वाला है तो कौन आता उसके पास में प्यारे लोग दूर भागते प्यारे और यीशु प्रेम से अपने पास लोगों को खींचता है प्यारे और आज भी यह मौका है प्यारो बहुत सारे लोगों के लिए सुनने वाले बहुत सारे लोग शायद अविश्वासी हो उसमें पता नहीं उन परिवारों में आपके लिए मौका है ये प्यार से बुलाता है उसके पास आ जाओ प्यार। अपने आप को सरेंडर करो यीशु के आगे यीशु को समर्पित करो अपने जीवन को उसको राजा बनाओ अपने अपने राज्य को छोड़ो नहीं हम बोलते हैं कि हे स्वर्गीय पिता तेरा राज आए पर इससे पहले यह प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु तेरा राज आए पर मेरा राज जाए है ना मेरे जीवन में से मेरा राज जाए पर प्रभु तेरा राज आए तो प्रभु आएगा तभी उसके प्रेम को जब हम अपनाएंगे तभी वो आएगा वो आना चाहता है प्यारो वो द्वार पर खड़ा खट खट आता है अगर आप खोलोगे तो वो जरूर आपके भीतर आएगा विशेषकर अविश्वासी लोगों की बात है जो लोग यीशु मसीह को अभी तक प्रभु परमेश्वर ग्रहण नहीं किए उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किए आपके लिए मौका है प्यारो कि यीशु का प्रेम मुझे नहीं पता ये क्यों ये बात मैं बीच इसके बीच में बोल रहा हूं यीशु का प्रेम आपको बुलाता है यीशु का प्रेम आपको बुला रहा है इन लोगों ने इतना भारी दंड मिला है फिर भी अपना मन नहीं फिरा प्यारो मन फिराने का इनकार करने का यहां पर यह आखिरी रेफरेंस मिलता है बाइबल में मन फिराने का सबसे आखिरी रेफरेंस संदर्भ मिलता है तो ये आयत में मिलती इसके बाद में मन फिराने वाला कोई रेफरेंस नहीं है प्यारों। इन्होंने मन नहीं फिराया मौका था शायद फिरा लेते कुछ परमेश्वर करता इनके लिए छठा कटोरा ये आखिरी देखकर हम आज का अभ्यास पूरा करेंगे छठा कटोरा अध्याय और बारह से पंद्रहवीं आयत है ये दो हिस्सों में है छठा कटोरा दो इसमें दो हिस्से है पहला हिस्सा है उसको हम समझने का प्रयास करें बाद दूसरे हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे और यह जो कटोरा है छठा कटोरा आखिरी जो लड़ाई है महाक्लेश के अंत में लड़ी जाने वाली जो आखरी लड़ाई है वो आर्मागेडन बैटल नहीं बैटल ऑफ हार मीडो बैटल ऑफ आर्मागेडन नहीं हर हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है सात साल के अंत के समय में लड़ाई होने वाली है और उसकी तैयारी के रूप में ये छठा कटोरा है अब ये आपको कैसे पता चलेगा ये अब देखिए बारहवीं आयत पढ़ते हैं और छठवे ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात मतलब यूफ्रेटिस के ऊपर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए देखिए ये सूख जाए इसके लिए पांचवे कटोरे में हमने देखा नहीं कि पूरा सब सब घटना एक दूसरे के साथ जुड़ी है भारी गर्मी भी हो गई वहां पर जो बचा कुचा होगा वो भी सूख जाएगा जब ये नदी पर यह अः कटोरा उंडेला जाएगा युफ्रेटस नदी जो है यहां पर आपको इस चित्र में दिखाई देगी युफ्रेटस नदी सत्रह माइल लंबी है कितनी सत्रह माइल लंबी है 10 से 30 फीट गहरी है और 600 से 12 फीट चौड़ी है कुछ हिस्सों में 600 है कुछ हिस्सों में बढ़ती जा रही है उसकी चौड़ाई तो 1200 फीट तक की है कुछ हिस्सों में कुछ हिस्सों में दस फीट की गहराई है कुछ हिस्सों में तीस फीट की गहराई है पर इसकी लेंथ को देखे तो सत्रह तो 1780 माइल की लंबी है, है यहां पर आपको पूरा जो नक्शा दिखाई दे रहा है स्लाइड में यूफ्रेटिस नदी की बात वहां पर आपके ध्यान में आ रही हो तो जैसे फिर के, फिर के समय में हुआ था पुराने नियम में क्या हुआ था वहां पर लाल समुद्र में से मार्ग हुआ पर कैसे कोरी भूमि परमेश्वर ने कर दी सूखी भूमि कर दी थी मतलब उस मार्ग को जाने वाले उस हिस्से को परमेश्वर ने सुखा दिया था वैसे ही जब अः कनान देश में प्रवेश करने वाले थे उस समय भी बीच में यर्दन नदी के मार्ग को भी यदर नदी में से जो मार्ग निकाला परमेश्वर ने उसको भी सुखा कर दिया था तो उसी प्रकार से ये नदी भी सुख जाएगी मतलब इसको सुखा दिया जाएगा क्यों क्यों सुखा दिया जाएगा हकीकत में यूफ्रेटिस नदी क्या है पता है इसल के पूर्वीय सरहद है एक किस्म की मतलब पूर्व से अगर किसी को चढ़ाई करनी है तो उसको पहले यूफ्रेटिस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा उसके बाद में वो लोग इसराइल पर चढ़ाई करने के लिए आ सकते हैं छठी शताब्दी में 605 सौ में जब नबुखाद ने सर राजा ने चढ़ाई की और यरूशलेम को नष्ट करने के लिए पूरा कॉर्डन किया तब उन्होंने इस नदी को पार करके ही वो लोग आए थे नहीं उनकी सेना इस नदी को पार करके बढ़ी थी इसलिए यर्मिया जब प्रोफेसी करता है तो लिखा है कि पूर्व से एक सेना आएगी बड़ी सेना को प्रभु लाएंगे नहीं फिर जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया नहीं विषय नब्बे से सौ के बीच का काल है जब पैकमस बैट पर युहरनाप था और वहां पर परमेश्वर ने उसको दिखा और वो सब बातें लिखी और तो नब्बे से सौ का समय इस तो जब ये लिखा गया उस समय पूर्व की सबसे अधिक और भयभीत करने वाली सेना पार्थियन मतलब ईरानी लोगों की थी और वे लोग रोम के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा थे अब रोम का साम्राज्य अगर आप इस नक्शे में देखो तो जहां पर परसिया दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर वाला हिस्सा रोम का आता है पूरा यूरोप का आता है वहां पर वहां पर उस उनका मुख्य था पर वहाँ से ये लोग इज़राइल में भी साम्राज्य इनका इनका था, इनका साम्राज्य बहुत सारे अलग अलग देशों में भी था पर यहाँ पर इनका था तो यहाँ पर इनको एक बात की बहुत बड़ी फिक्र रहती थी इन रोमन्स को कि हमारी टक्कर ले सके अगर ऐसा कोई है तो ये पार्थियन ईरानी ईरानी लोग ही है और वो इनके सामने मतलब ये रोमन लोग इनके सामने जीतने को इतने सक्षम नहीं थे और क्या हुआ था पता है आ, इस सन सत्रह में जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी नहीं एक मंदिर मंदिर के एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं रह वो उस भविष्यवाणी के तहत टाइटस नाम का सेनापति आया रोमन राज्य का और उनकी सेनाओं ने यरूशलेम को नष्ट करने के लिए जब पूर्व से जब वो लोग आए तो उस समय भी उन्होंने यूफ्रेटिस नदी को क्रॉस किया था पार किया था यहां पर ये युफ्रेटिस नदी की आ, यहां पर आप देख पाओगे आर्मागेडन की जो लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी तो पूर्व की जो सेनाएं आएगी नहीं उनके आने के लिए यह पूरा रास्ता तैयार किया गया है उनके आने के लिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है आ, नहीं उत्तर का राजा उसके ऊपर एंटी क्राइस्ट का साम्राज्य फैला हुआ साम्राज्य नहीं पूर्व का राजा लगभग आपको 200 मिलियन करीब इतनी सेना हो सकती है 200 मिलियन सेना और ये सब की आने का मतलब ये किस्म से ये रास्ता वहां पर तैयार हो रहा है इसलिए ये ये नदी सूखना बहुत जरूरी था और परमेश्वर ने इसीलिए इस आखिरी अंतिम बिंदु को तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कैसे इस संसार में स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है प्यारो और यहां पर वो न्याय जाहिर करने के लिए यह होने वाला है उस समय यरूशलेम इसराइल इन सारे लोगों से घेर गे, घेर लिया जाएगा अमोन की प्रजा मोआब की प्रजा अदोम की प्रजा दक्षिण के राजा ये सब मिलकर चारों दिशा में से इनको घेर लिया जाएगा पर वो घेरावा कब हो नहीं ये तभी होगा कि ये यूफ्रेटिस नदी जहां पर आप देख रहे हो इस नक्शे में यहां पर यूफ्रेटिस नदी ये यूफ्रेटिस नदी जहां पर आप देख रहे हो ये सूख जाए और ये यहां पर ये बात घटना गट घटी है जब छठा कटोरा तो उंडला गया तो ये बात हुई कि मां क्लेश के अंत में इसकी तैयारी के रूप में राजाओं के लिए लिखा है पूर्व की दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए इसके लिए अब दूसरा पार्ट पहला पार्ट था ये छत्ते कटोरे का नदी को सुखा देना और दूसरा पार्ट ये सीख कर हम आज का अभ्यास यहां पर पूरा करेंगे तेरहवीं आयत चौदहवीं आयत और सोलहवीं आयत पढ़ेंगे पढ़े और मैं और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से पहला अजगर मतलब शैतान सैतनिक पावर दूसरा है पशु के मुंह से मतलब एंटी क्राइस्ट पॉलिटिकल पावर और तीसरा है झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से मतलब उसको आगे करने वाला जो झूठा भविष्यवक्ता जो था दूसरा बीस्ट दूसरा पशु नहीं रिलीजियस पावर ये तीनों शक्तियां अब काम में आ जाती हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है उनके मुंह से तीन अशुद्धात्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा क्या लिखा है उनके मुंह से तीन अशुद्धात्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा जब मेंढकों का समय आता है तो क्या करते हैं है ना पहली बारिश होती है तब मेंढक बाहर आ जाते हैं वो ग्रीष्म निंद्रा में होते हैं अब वो बाहर आ जाते हैं शीत निंद्रा ग्रीष्म निंद्रा पूरी करके अब ये बाहर आ जाते हैं ये उनके बाहर आने का समय है और ऐसे ही यहाँ पर इनका बाहर आने का समय जैसे मानो कि यहाँ पर हो गया है और अब ये लिखा है मेंढक का काम में है ड्राउ ड्राउ करना नहीं ये बकवास करने का समय और ये ये तीन आत्माओं का बकवास करने का समय आ गया है मान लो मतलब ये लोग क्या कर रहे है पता है? ये तीन आत्माएं कौन सी है देखिए ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्टात्मा जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें आप क्या ये जो साढ़े तीन साल का आखिरी साढ़े तीन साल का समय है इस समय में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होंगे कि जिस वजह से लोग इनके पीछे भी भागेंगे पर इनके चिन्ह चमत्कार निष्फल हो जाएंगे जो परमेश्वर के न्याय के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अभी हमने नहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा कटोरा जब देखा पांच कटोरे तक एंटी क्राइस्ट वहां कुछ नहीं कर पा रहा है जैसे फिर के राजा के समय में जब जब वहां पर विपत्तियां आई तो मेरे ख्याल से दो विपत्ति तक फिर के जादूगरों ने भी वैसा ही काम करके दिखाया पर बाद में जो विपत्तियां आई वहां पर उनके जादूगर और उनके जादू टोना करने वाले जितने भी लोग थे वो सब मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठ गए मतलब लाचार हो गए वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे उनको पता चल गया कि इनका परमेश्वर एक ही परमेश्वर है यहाँ पर भी यही बात होगी पर प्यारो उससे पहले ये बात होने वाली है कि संसार में उस समय में उस साढ़े तीन साल के समय बहुत सारे चिन्ह चमत्कार भी होंगे उस और बहुत सारे लोग इनके पीछे भागेंगे क्योंकि क्योंकि उनको यही ठीक लगेगा यही अच्छा यही मसीहा है नहीं यही सही है यहां पर चिन्ह दिखाने वाली इनके मुंह से निकलकर कहा जाती है संसार के राजाओं के पास क्योंकि संसार के सभी लोग विरुद्ध में उठ खड़े होने वाले हैं देखिए यहां पर वो चित्रांकन दिया गया काल्पनिक है ऐसा ऐसा ही नहीं है पर यहाँ पर ड्रैगन दिखाया है उसके मुंह से मेंढकों के रूप में निकली हुई दुष्ट आत्मा है फिर एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्य वक्ता इन तीनों के मुंह से निकली हुई मेंढक के रूप की दुष्ट आत्मा बताई गई ये पूरा पॉलिटिकल और रिलीजियस और, और सैटानिक षड्यंत्र है उन समय के लोगों के लिए नहीं कि इस, विशेषकर इज़राइल के लिए अब क्यों क्यों इसराइल के लिए और ये पूर्व के राजा कौन है यहाँ पर आपके सामने कुछ चित्र है रखे गए हैं इनमें से कोई होंगे तो हो सकते हैं ये सब पूर्व के राजा है चाइना के है ईरान के है नहीं नॉर्थ कोरिया के है अलग अलग उन देशों के ये लोग हैं अब ये लोग इसराइल के विरुद्ध में उठ खड़े होंगे मैं ये नहीं बोलता यही लोग होंगे पर इनके स्थान पर कोई और भी हो सकते ये सब हो सकते इसराइल की अगर बात करें तो आज के समय में आज के समय यूनाइटेड नेशंस आपको पता हो तो संयुक्त राष्ट्र है ना ये पूरी जनरल असेंबली है इनका 2018 और 19 में जो तिहत्तरवा सेशन हुआ यूएन जनरल असेंबली का उसमें जो यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर है नहीं आ, उन्होंने 27 रेजोल्यूशन वो पास किए वहां को 175 देश में अलग 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 रूप से आ, मतलब लागू किया जाना था और उसमें से मूल कुछ 27 थे उसमें से इसराइल को लेकर 27 थे और वो भी उसमें से 21 तो पास कर दिया इन लोगों ने मतलब इसराइल को विरुद्ध में हर एक लोग उठा हुआ है इस 2018 के के यूएन जनरल में में देखिए 21 विरुद्ध थे ईरान के एक है सीरिया का एक है नॉर्थ कोरिया का एक है यहाँ पर चित्र किया गया है रशिया का एक है म्यांमार का ऐसे अलग अलग देशों का एक 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 करके है पर इसराइल के विरोध में 21 रेजोल्यूशन पास हुए आप सोचिए सत्ताईस रिजोल्यूशन पास हुए पर उसमें से इक्कीस इसराइल के विरुद्ध में हुए मतलब आप सोच सकते हो यह वो दिन है जिसमें इसराइल के विरुद्ध में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र इस दुनिया के सभी देशों का जो संगठन है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र ने, उन्होंने इसराइल के विरुद्ध में मान लो एक कोल्ड वॉर छिपी हुई वह युद्ध जारी कर चुका है दूसरा 19-20 का जो जनरल असेंबली उनका हुआ उसमें इज़राइल के विरुद्ध में 18 रिजोल्यूशन पास किए गए और दूसरे अलग अलग देशों में अलग अलग करके एक ही साथ पास हुए इसमें तीन नॉर्थ कोरिया के थे दो सीरिया के थे और एक ईरान का मतलब आप सोचो ये सब रिजोल्यूशन इसराइल के विरुद्ध में है और अगर आप इसराइल के बारे में देखो उसका इतिहास यहूदियों का इतिहास तो इनका सर्वनाश करने के लिए युगों से प्रयास शैतान कर रहा है शैतान ने अलग अलग लोगों का उपयोग किया अलग अलग सत्ताओं का उपयोग किया पर प्यारो एक आयत हम पढ़ना चाहते हैं इस बीच में यर्मिया की किताब आप निकाले उसका इकतीसवा अध्याय क्या हुआ आप देखें तो 2500 बीसी से यह शुरुआत हो गई जब उसकी स्थापना हुई जब इज़राइल की स्थापना हुई 2500 बीसी से यीशु मसीह के 2500 साल पहले से यह शुरुआत हो गई जब उसको पता चला शैतान को कि अब यहूदियों का एक बड़ा राष्ट्र निर्माण होने वाला है अब्राहम का सिलेक्शन हुआ नहीं वहां पर वो वो जाता है तो इजिप्ट के वहां पर तो वहां पर वो डर के मारे नहीं उसका जो राजा था उस समय फिर उसने भी प्रयास किया वहां पर उसके बाद में हम देखते हैं तो इजिप्ट के जो फिरोन राजाओं ने गुलामी की नहीं गु, सॉरी गुलाम में इस प्रजा को डाल दिया और वहां पर बहुत सारे लोगों का कत्ल आम हुआ बहुत सारे बच्चों का नहीं, एक साल के से छोटे बच्चों का कत्ल आम हो गया वहां पर उसके बाद भी हम देखते हैं तो फलिस्तीन फलिस्ती लोग इनके विरुद्ध में खड़े हुए उसके बाद में हम देखे तो आशुरी लोग खड़े हुए उत्तर का राज्य आशूर का राज्य और दक्षिण का राज्य बाबिल का साम्राज्य यह भी इनके विरुद्ध में हुआ उसके बाद में अगर काल में जब हम आते तो ने एक षड्यंत्र रचा था एस्तर रानी का समय चाहता था नहीं और उसके बाद में हम देखे तो ग्रीक साम्राज्य आया ग्रीक का साम्राज्य है और उन्होंने ग्रीक संस्कृति को डालने के लिए कंपलसरी ग्रीक भाषा को अस्तित्व में ला दिया कि भी यहूदी लोगों को भी यही भाषा सीखनी पड़ेगी नहीं उसके बाद में मतलब यहां तक यहूदियों को खत्म करने का हर एक प्रयास होता गया होता गया कहीं ना कहीं उसके बाद में रोमन का साम्राज्य है उन्होंने भी यही प्रयास किया यरूशलेम का नाश किया गया उसके बाद में अरब लोगों का नहीं बात करें हम तो ये वो समय आया और यूरोपियन लोगों का भी समय आया और बहुत कुछ ऐसे कैंपेन हुए प्यारों। पर यहूदी प्रजा इजराइल आज भी वैसे क्या वैसा है उसको कोई मिटा नहीं पाए क्यों क्योंकि परमेश्वर की वाचा देखिए उनके साथ है इकतीस अध्याय और पैंतीस छत्तीस आया क्या लिखा है यहोवा यो भी कहता है यदि ऊपर से आकाश मापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद खोद कर पता लगाई जा सके तब ही मैं इसराइल के सारे वंश को उनके सब पापों के कारण त्याग दूंगा ये दो कंडीशन परमेश्वर ने रखी कि ऊपर से आकाश नापा जा सके और नीचे से पृथ्वी की नींव खोद कर पता लगाई जा सके तब ही मैं इसराइल को त्याग दूंगा अन्यथा नहीं ताकूंगा मतलब ये दो असंभव बातें हैं मतलब परमेश्वर इनके पक्ष में खड़ा हुआ है और हमने पिछले समय में देखा था कि इनका पक्ष करने के लिए परमेश्वर ने विशेष करके एक स्वर्गदूत को काम सौंपा है और वो स्वर्गदूत है आर्क एंजल आर्कोन माइकल मिखाइल स्वर्गदूत को ये जिम्मा सौंपा है और आगे मेरे ख्याल से यहां तक हम हम रखते हैं और इसका बाकी का अभ्यास हम अगले हफ्ते या तो कल अगर समय मिलेगा तो कल या तो अगले हफ्ते देखेंगे पर यहाँ तक हम हमारा अभ्यास को नहीं यहाँ पर हम रोकते हैं क्योंकि समय भी बहुत जा रहा है सब कुछ हम एक साथ नहीं ले पाएंगे तो आइए प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं यहाँ पर आज हमने परमेश्वर के उन न्याय का वर्णन देखा प्यारो कि जिसको कोई रोक नहीं पाया है जो इस संसार के रहने वालों के विरोध में है जिन्होंने हर एक मौके गवा दिए परमेश्वर का स्वीकार करने के सत्य का सच्चाई का स्वीकार करने के हर एक मौके इनके जीवन में मिले हर एक को गवाया है और आखिर में उनको इन सात साल के लिए छोड़ा गया और उनको लिए न्याय जाहिर किया गया है और न्याय का वर्णन जो अंतिम और भारी न्याय है उसका वर्णन यहाँ पर आज हमने सीखा है प्यारों। तो उसके बारे में जो समझ है, हमने पाई है प्यारो ये बताता है प्यारो कि हमारा परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है यहाँ तक अभी भी आज हम बैठे हैं यहां पर भी प्रभु अभी भी कृपासन पर है अनुग्रह के उस सिंहासन पर है अभी भी वो धीरज धर कर बैठा हुआ है कि और भी लोग मन फिरा ले और भी लोग पश्चाताप कर ले हाँ प्यार वो राह देख उस देखेगा उसके बाद में लिखा है कि मंदिर में कोई जा न सका कोई एंटर नहीं हो पाया कोई मध्यस्थी उसके बाद में होने वाली नहीं है कोई बीच में खड़ा नहीं रह पाएगा पृथ्वीवासियों के लिए कोई मध्यस्थ उसके बाद में अवेलेबल नहीं होगा इससे पहले बहुत सारे मध्यस्थ को प्रभु ने रखा हाँ प्यारो आज आप और मैं इस संसार के लिए मध्यस्थ के रूप में है यशु तो मध्यस्थ बनकर बैठा है पर आज आप और मैं है जो इस संसार में यशु के सुसमाचार को ले जा सकते हैं यशु ये के प्रेम को ले जा सकते हैं ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है प्यारो आप आज कहां पर है? क्या यीशु के प्रेम को जाहिर करने के लिए आप तैयार हो? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा अपने प्रेम को जाहिर करेगा अपने न्याय को उन स्वर्ग दूतों के द्वारा जाहिर करेगा उस समय में पर आज अगर प्रेम को जाहिर करना चाहता है परमेश्वर तो वो आपके द्वारा क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है समाचार जो परमेश्वर ने जाहिर किया जिसको सुनकर लोग अनंत कालिक नाश की शिक्षा से बच पाएंगे जिसको लेकर लोग परमेश्वर से सदैव दूर नहीं हो पाएंगे जिसको सुनकर जिन पर विश्वास करके और वो है अनुग्रह का सुसमाचार जिसकी जिम्मेदारी आपको और मुझे दी है आप में से कितने लोग उस अनुग्रह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं कितने लोगों के पास परमेश्वर के प्रेम को ले जा रहे हो यारो आपको और मुझको परमेश्वर ने उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए चुना है ना कि हमारे खुद के स्व को प्रकट करने के लिए मैंने क्या किया है मैं क्या हूं और मैं कौन हूँ ये जाहिर करने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने पसंद नहीं किया है पर आपको और मुझको पसंद किया है कि यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया है यह जाहिर करने के लिए प्रभु ने पसंद किया है और आपको और मुझको हमें चुना है परमेश्वर ने वो अनुग्रह के सुसमाचार को ले जाने के लिए आइए प्यारो अगर आपने अपने मुंह को बंद रखा है तो आज प्रभु का अनुग्रह मांगे उस पचासवे के सामर्थ को मांगे जो गवाहों को खड़ा करने का सामर्थ है प्यारो जो आपको खड़ा करने का सामर्थ है प्यारो जो सामर्थ ऊपर से आता है जिसके लिए लिखा है कि तुम ऊपर से पराक्रम से विष्ठित होंगे और मेरे गवाह बन जाओगे प्यारो, आप उस गवाह बनने के लिए चुने गए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु गंभीर है प्रभु आप उनको आपकी अनुग्रह के सुसमाचार सुनाने के लिए उनके मुंह को भर दो परमेश्वर क्योंकि हमारा मुंह आपके अनुग्रह के सुसमाचार के लिए है आपकी बातों के लिए है आपकी स्तुति और के लिए है परमेश्वर हमारी, हमारी मदद कर परमेश्वर विशेष कर करना चाहता है और एक जन जो अपने आप को अनुग्रह का सुसमाचार लोगों कर, तक पहुंचाने के लिए समर्पित करना चाहता है प्रभु उनको आपके ऊपर सामर्थ्य तो भर दे प्रभु पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके ऊपर छाए प्रभु और वो आप बातों को ले जाने वाले बने परमेश्वर लोगों के पास आप कौन हो आप क्या हो और आपने क्या किया है प्रभु वो बताने वाले बने प्रभु ना कि हम कौन है और हमने क्या किया है ये बात बताने के लिए नहीं है प्रभु प्रभु हमें हमें जो बताने के लिए है वो आपने हमें दिया है प्रभु हम हम चाहते प्रभु पवित्रा हमारी मदद कर प्रभु विशेषकर जो बातें हम सीख रहे हैं इन दिनों में आप हमें और भी गहराई में सीखने के लिए और भी अनुग्रह दें हमारी सहायता करें और आपकी इच्छा इन अंतिम समय के समयों में प्रभु आप परिपूर्ण करें प्रभु यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना आपके क्षणों में लाते कबूल कर हमें थैंक यू प्रभु आपको आशीष दे ये समय जब नहीं हमें अच्छे से इन सब बातों को सीखने का परमेश्वर ने दिया है यारो इसको गवाइये नहीं कल हम फिर से वापिस इकट्ठे होंगे और परमेश्वर के वचनों का सॉरी कल नहीं होंगे पर अगले हफ्ते हो पाएंगे और परमेश्वर के वचनों का अभ्यास हम और भी इसमें आगे करेंगे आ, पर उस समय में हम सीखेंगे कि बैटल ऑफ आर्मा गेटन आखिरी कटोरा सातवा कटोरा ये बात के लिए है छठा कटोरा उसकी तैयारी में जो बात बाकी रही है वो भी हम सीख लेंगे और आखिरी कुछ बातें भी हम इसमें सीखेंगे तो आप जुड़े रहिएगा और आप प्रकाशित वाक्य का अभ्यास करते रहिए घर पे है तो और विशेष कर हमारे लिए ये जो समय है प्यारो उन सात कलिसिया को जो पत्र लिखे गए उन पत्रों को पढ़िए प्यारो आप है ना बार बार पढ़िए ये दिन वो है कि जिसमें आप उन पत्रों को पढ़े प्यारो नहीं बहुत कुछ गहरे संदेश उसमें छिपे हुए हैं हमारी तैयारी के संदेश इसमें छिपे हुए तो उसमें पढ़ते रहिए और प्रभु के लिए हम जागते रहे और तैयार रहिए प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपके द्वारा उसकी महिमा करे गॉड ब्लेस यू प्रभु आप सबको आशीषित करें